अयोध्या में श्री राम मंदिर भूमि पूजन के बाद कासगंज जनपद के लोगों में खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिला। आपको बता दें कि जनपद में लोगों ने जगह जगह मंदिरों और घरों में दीप जलाकर अपनी खुशियों का इजहार किया है और इसी क्रम में सोरो सुकुर क्षेत्र के वराह मंदिर पर 5100 दीपक जलाए गए। मंदिर में 5100 दीपक जलने से पूरा मंदिर प्रकाशमय हो गया और नजारा देखने लायक था। भूमि पूजन के बाद से जनपद में खुशी का माहौल है और लोग जश्न मना रहे हैं। वहीं शहर में शिवसेना के जिला अध्यक्ष अशोक गौड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शहर में मिठाइयां बांटी और पटाखे जलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान जमकर जय श्री राम के नारे लगाए गए। आपको बता दें कि राम मंदिर भूमि पूजन के बाद कासगंज जनपद में पुलिस फोर्स चौकन्नी दिखी और SP सुशील घोले ने खुद जनपद में फ्लैग मार्च कर सुरक्षा का जायजा लिया। यहाँ पर गंडवारा में हमने पूरे फोर्स के साथ में सभी जो कस्बा है, मार्केट है, जितना भी हमारा संवेदनशील एरिया है, वहाँ पे पूरे फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया है, फुट पेट्रोलिंग किया है और सभी जगह शांति है और सभी लोगों से भी अपील की है। इसके अलावा जो हमारा थाने का फोर्स है उनको भी हमने निर्देशित किया है कि पूरे दिन भर मोबिलिटी बनाई रखे, पेट्रोलिंग करते रहे लगातार और जो भी फोर्स है उसको रात के समय भी समुचित जगहों पे लगाए ताकि सुरक्षा व्यवस्था ठीक रहे। सर कसबा में जोन सेक्टर में मारा गया है? हाँ बिल्कुल, गंजवारा और कासगंज ये दो जगह है जनपद की जहाँ पर हमने सेक्टर स्कीम लागू की है और बाकी जो थाने हैं वहाँ पे जितने भी अति संवेदनशील एरिया है वहाँ पर फोर्स का मूवमेंट रहता है। कासगंज से न्यूज़ इंडिया के लिए सौरभ यादव की रिपोर्ट।